हेलो एवरीवन, टुडे वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेल्ड इन 1998। और ये आज का हमारा पांचवा सेट होगा 42वां बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं और सारे 150 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा विथ फुल एक्सप्लेनेशन। सारे क्वेश्चन का अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं, द राइज ऑफ फर्स्ट मगध किंगडम इन। तो फर्स्ट मगध किंगडम का जो राइज हुआ था, उदय हुआ, कब हुआ था? और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन टू, यानी 6th सेंचुरी में आपका जो है राइज मगध का हुआ था। और मगध किंगडम जो था वो हरियंका डायनेस्टी के द्वारा फाउंड किया गया था। बिंबिसार जो था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें पर्सन शामिल हुआ और उसने जो है 544 बीसी से लेकर 472 बीसी के बीच में शासन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच रूलर इस्टेब्लिश पाटलिपुत्र एज द फर्स्ट टाइम कैपिटल। फर्स्ट टाइम कैपिटल पाटलिपुत्र को किसने बनाया था? और इस क्वेश्चन का आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी ऑप्शन वन। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने फर्स्ट टाइम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फेमस फॉर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और नालंदा यूनिवर्सिटी जो था वो बुद्धिस्ट यहाँ पे फिलोसफी के लिए फेमस है, यानी ऑप्शन थ्री। ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही आंसर होगा। और आप सभी को पता होगा कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो 5th सेंचुरी में बनाया गया था और इसको बनाने का मेन पर्पज था, यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे इसलिए। और यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने जो है वो ध्वस्त किया था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कौन किया था आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, विच वाज द फॉलोइंग बर्थ प्लेस ऑफ महावीर स्वामी द प्रोफाउंडर ऑफ जैन धर्म। तो महावीर स्वामी का जन्म स्थल कौन सा था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कुंडलग्राम। कुंडलग्राम जो था वैशाली में पड़ता है और ये जो है महात्मा जो महावीर का जो जन्म हुआ था वो 599 बीसी में कुंडग्राम में हुआ था वैशाली में। और ये माना जाता है कि 24वें 24th जो तीर्थकर थे और रियल प्रोपाउंडर थे जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द राइटर ऑफ तबाकत नासिरी। तबाकत नासिरी के लेखक कौन है? और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिनहाय उस सिराज। मिनहाय उस सिराज ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सुल्तान मेड अलाईदार वजा। अलाईदार वजा को किसने बनाया था? और इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाईदार वजा को बनाया था। और इसके बारे में अगर बताऊं तो अलाईदार वजा जो था वो एक प्रकार से जो था वो एक किला था और जो कि बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और ये एक इंडो इस्लामिक स्टाइल आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता था, इंडो इस्लामिक स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द राइटर ऑफ हुमायूं नामा। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम, ऑप्शन थ्री। और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। और जो है इसके अलावा अकबर ने गुलबदन को अपने दरबार में शामिल किया था एज अ हुमायूं नामा लिखने के लिए। और गुलबदन जो थी वो सिस्टर थी हुमायूं की और उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में इसे लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मंडला ऑफ ऋग वेद इज डिवोटेड टू सोमा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल को सोमा के लिए डिवोट किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 9th मंडल को। 9th मंडल को सोमा के लिए डिवोट किया गया है। और 9th मंडल जो है उसमें 114 हिम्स है जो कि सोमा को रिप्रेजेंट करते हैं। और सोमा जो है एक प्रकार से जो है वो जूस ऑफ प्लांट को रिप्रेजेंट करता है और जो यहाँ पे ड्रिंकिंग के लिए यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस वार ऑफ 10 किंग्स वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो जो 10 राजाओं का युद्ध था वो किस नदी के किनारे लड़ा गया? और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
पारुषणी नदी के किनारे, पारुषणी नदी ऑप्शन फोर। और पारुषणी नदी जो है वो पंजाब के रावी नदी को यहाँ पे बोला जाता है, लगभग यहाँ पे ही पारुषणी नदी स्थित है, जो कि बैटल ऑफ टेन किंग्स जो लड़ाई हुई थी यहीं पे हुई थी, पारुषणी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज नॉट पार्ट ऑफ अशोका किंगडम। तो अशोका किंगडम का जो पार्ट नहीं था, इसमें कौन सा नहीं था, इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका जो था वो अशोका किंगडम का पार्ट नहीं था, और ये जो था वो मौर्यन जो एम्पायर थे, जैसे श्रीलंका जो था वो मौर्यन एम्पायर का पार्ट नहीं था, और उसके अलावा यहाँ पे बाकी जो थे ये अफगानिस्तान, बिहार और कलिंगा, ये सारे मौर्यन एम्पायर के पार्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड में लैंड रेवेन्यू का रेट क्या था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, सिक्स्थ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस, यानी जो भी प्रोड्यूस होता था उसका 1/6 पार्ट को यहाँ पे लैंड रेवेन्यू के रूप में देना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वाज मेड बाय। दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा शाहजहाँ के द्वारा, ऑप्शन फोर। और इसको बनाया गया था 1648 में, और उसके बाद से यहाँ पे जो किलाए मुबारक था और जिसको ब्लेस्ड फोर्ट के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, विथ होम डिड इंग्लिश डू ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी किसके साथ हुई, और इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान, यानी ऑप्शन थ्री, टीपू सुल्तान के साथ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी हुई थी। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। तो 1857 की क्रांति को बिहार में किसने जो है लेड किया था, इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, ऑप्शन टू। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली सेशन कहाँ हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे, यानी ऑप्शन थ्री, बॉम्बे में हुआ था। और कब हुआ था ये, 18 से 31 दिसंबर 1885 में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, और इसमें 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और डब्ल्यू सी बनर्जी थे इसके प्रेसिडेंट थे। अगला क्वेश्चन है, विच वायसराय डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन टू। लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन अलाउ किया 1950 में, और पार्टीशन जो हुआ वो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द राइटर ऑफ नील दर्पण रिटन ऑन द फ्लाइट ऑफ इंडिगो प्लेंटर्स। तो नील दर्पण के लेखक कौन है, इसका आंसर हो जाएगा शरद चंद्र चटर्जी। शरद चंद्र चटर्जी तो जो थे वो नील दर्पण के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, इन विच पीजेंट मूवमेंट हैड द महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम किस पीजेंट मूवमेंट में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया, इसका आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण जो पीजेंट मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेट किया इन 1917 में पार्टिसिपेट किया बाय द इनविटेशन ऑफ द राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वुमेन हैज़ मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1947। इसका आंसर हो जाएगा अरुणा असाफ अली। अरुणा असफ अली का जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखने को मिला आफ्टर द 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लीडर ऑफ बिहार लेड किसान मूवमेंट विथ महात्मा गांधी। इसका आंसर होगा राजकुमार शुक्ल, और इन्हीं के बुलाने पे महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया 1917 में। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाई।
इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय ए ओ ह्यूम। और ये जो थे इन्होंने सारे नेशनलिस्ट को इकट्ठा करके इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन 3। और ये लिया गया है आनंद मठ से 1882 में, और इसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजोल्यूशन ऑन कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास्ड इन द लाहौर कांग्रेस इन ईयर। लाहौर कांग्रेस में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग हुआ, और ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1929 में। 1929 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग हुआ कोलकाता सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द फाउंडर वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ लीडर्स ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी वाज। तो इसमें से कौन से एक पर्सन जो थे वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के फाउंडर रहे? इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन टू भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज इज माई बर्थ प्लेस बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजोल्यूशन ऑफ सेपरेट पाकिस्तान डिमांडेड बाई मुस्लिम लीग वॉज पास्ड इन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सेपरेट नेशन पाकिस्तान की मांग जो थी वो 1940 में किया गया, और ये किया गया था लाहौर सेशन के द्वारा, और जो रिजोल्यूशन था वो दिया गया जफरुल्लाह खान, और जो इंट्रोड्यूस हुआ एके फाजुल हक के द्वारा। रैमसे मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड ऑफ अगस्त 1932 क्रिएटेड फर्स्ट टाइम अ सेपरेट इलेक्ट्रोल फॉर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, डिप्रेस्ड क्लासेज। द कम्युनल अवार्ड ऑफ अगस्त 1932 ग्रांटेड सेपरेट इलेक्ट्रोल फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेज फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये ऐसा पहली बार हुआ जब गांधी जी का क्रिटिसाइजेशन किया गया गांधी जी के द्वारा, और इन्हीं को बताया गया कि इनको एक जो है प्रोटेस्ट के कारण इनको यरवदा जेल में भी डाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एबोलिस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। 1935 एबोलिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एबोलिस्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रोविंशियल डायर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज इज मेड फॉर मासेज नॉट फॉर द क्लासेज, हु सेड इट। दिस वॉज सेड बाई द देशबंधु चित्तरंजन दास, यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पास रिजोल्यूशन फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट इन द ईयर। क्विट इंडिया मूवमेंट की जो रिजोल्यूशन था कब आया? और ये आया था क्विट इंडिया मूवमेंट 7 अगस्त 1942 को, यानी ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल गवर्नमेंट आज़ाद हिंद सरकार वाज अनाउंस्ड ऑन। इसका आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को। अगला क्वेश्चन है, हु वाज नॉट एसोसिएटेड विथ चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन को लिए आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करना पड़ेगा, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से देखते हैं। यहाँ पे जो रिलेटेड पर्सन है वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एएन सिंह और जेपी कृपलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद वाज एसोसिएटेड विथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पीजेंट मूवमेंट ऑफ बिहार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट अगेंस्ट चौकीदारी टेक्स इन बेगूसराय वाज, तो चौकीदारी मूवमेंट जो हुआ उसके, चौकीदारी जो टैक्स हुआ उसके खिलाफ मूवमेंट शुरू हुआ, और ये हुआ था ड्यू टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कारण। अगला क्वेश्चन है, देयर वाज टेरिबल फ्यूड बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम ऑन द इशू ऑफ काउ प्रोटेक्शन एट शाहबाद गया पटना डिस्ट्रिक्स, इट ऑकर्ड इन ईयर। तो हिंदू मुस्लिम के बीच में यहाँ पे राइट्स हुए ड्यू टू काउ प्रोटेक्शन के कारण, और यहाँ पे जिले भी दिए गए हैं। तो ये कब हुआ था, घटना है, ये घटना जो हुआ वो हुआ था 1919 में, 1919। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर टिनेंसी एक्ट ऑफ 1908 हैड बैंड, तो 1908 का जो छोटा नागपुर टिनेंसी एक्ट था वो किसने बैन किया। तो टिनेंसी एक्ट के कारण जो था वो खूट काटी लैंड सिस्टम को बैन किया गया, खूट काटी लैंड सिस्टम को बैन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लगे कि नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमक के आगे आरक्षण छोड़ देंगे। हु सेड दिस वर्ड इन 1946 में ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था सरदार पटेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट सीटिंग ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज हेल्ड इन पटना इन ईयर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू 1934 में फर्स्ट सेशन हुआ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। अगला क्वेश्चन है, हु लेड द मूवमेंट फॉर ए सेपरेट प्रोविंस इन बिहार डेट रिजल्टेड इन अ न्यू प्रोविंस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा इन 1911, इसका आंसर हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम टू इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज विच कंट्रीब्यूटेड इन रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, रशियन रिवॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया, और ये दो पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो यहाँ पे बोल्शेविक और मेंशेविक, यानी ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल इन, द राइट आंसर इज 1912 में बिहार सेपरेट हुआ बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा हेल्ड, करेक्ट आंसर इज 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज मोर देन 400 आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया इज ओरिजिनली डिक्लेयर्ड एज सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। अगला क्वेश्चन, हु होल्ड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। अगला क्वेश्चन, जनरली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेंबर फ्रॉम बोथ हाउसेज, यानी लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी सेशंस आर एटलीस्ट कॉल्ड इन द लोकसभा, और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली 67 बीपीएससी 2022 में पूछा गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, यानी थ्री टाइम्स इन अ ईयर। यहाँ पे एटलीस्ट पूछा गया,
और जो क्वेश्चन पूछा गया था 67th बीपीएससी में, ये पूछा गया था कि कितना जो है वो सेशन होता है, तो जनरली 3 सेशन होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया एटलीस्ट कम से कम कितना होना चाहिए, तो कम से कम 2 सेशन होना चाहिए एक साल में, उससे कम नहीं होना चाहिए, और जनरली होता है 3 सेशन। अगला क्वेश्चन, मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव इन द लोकसभा, और इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4, 80 रिप्रेजेंटेटिव है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1950, 1950 की पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा बिफोर नॉर्मल टाइम कैन बी डन बाय, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, और ये पावर जो है आर्टिकल 85 में दिया गया है प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सक्सेसफुली पंचायती राज नीड्स द कोऑपरेशन ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकल पीपल, लोकल लोगों की जो है वो कोऑपरेशन चाहिए पंचायती राज को अच्छे से काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिएशन ऑफ एनर्जी ऑन द सन इज बाय, तो सन जो है वो एनर्जी क्रिएट करता है किस सिद्धांत पे, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो कार्बन, इसमें से किसे कार्बन नहीं रहता है, और इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, डायमंड में कार्बन रहता है, ग्राफाइट में भी कार्बन रहता है, और यहाँ पे ऑप्शन जो है वो कोल में जो है कार्बन नहीं रहता है, तो यहाँ पे इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सी वी रमन रिसीव नो नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स इन, तो सी वी रमन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज कब मिला था, इसका आंसर हो जाएगा 1930, यानी ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट, तो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट मिलता है वो नाइट्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है वो है CaSO4 half H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोविंग एसिड इज फाउंड इन विनेगर, तो अचार में कौन सा एसिड मिलता है, और इसका आंसर हो जाएगा एसेटिक एसिड, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर इज अप्रोक्सीमेटली, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 330 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय द सनलाइट फॉर द सनलाइट टू रीच अर्थ सरफेस इज अबाउट, और इसका आंसर हो जाएगा 8.5 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्रीज टू द हार्डनिंग स्टील, स्टील को हार्ड बनाने के लिए क्या ऐड होता है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्बन का एडिशन किया जाता है स्टील को हार्ड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर, क्रोमेटोग्राफी किसके लिए यूज होता है, तो क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक टेक्निक है फॉर सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर बाय पासिंग इट इन द सॉल्यूशन और सस्पेंशन थ्रू मीडियम इन विच जो कंपोनेंट होते हैं वो मूव डिफरेंट रेट से करते हैं, इसलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ हाउस होल्ड एलपीजी सिलेंडर प्रेशर स्केल इज नॉट गिवन बिकॉज,
तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बिकॉज इट इंडिकेट द मास ऑफ अ गैस इन एलपीजी सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट इज। तो लाइट का जो रेडिएशन होता है उसका नेचर जो होता है वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह होता है। ऑप्शन थ्री, ड्राई आइस इज। ड्राई आइस को क्या कहते हैं? ड्राई आइस को बोलते हैं कार्ड आइस। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली इज अ डैश। दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज ऑफ। कावेरी वाटर डिस्प्यूट किस दो राज्यों के बीच का मामला है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो ट्राइब इज ऑफ। गारो ट्राइब किस राज्य में मिलते हैं? गारो ट्राइब जो है वो मेघालय में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण रेलवे पासेज थ्रू द स्टेट ऑफ। कोंकण रेलवे किसके राज्य से होकर पास करती है? और इसका आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका से पास होती है। अगला क्वेश्चन, मुरी इज फेमस फॉर। मुरी किस लिए फेमस है? तो मुरी फेमस है अलुमिना प्लांट के लिए, अलुमिना प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार मैथुन प्रोड्यूसेज। तो बिहार मैथुन प्रोड्यूस करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया बिहार इज फॉरमोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। तो इंडिया में बिहार किसका ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और इसका जो है आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन थ्री, मीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया शोज। तो 2001 और 2011 पॉपुलेशन के अनुसार जो है पॉपुलेशन 17.5% इंक्रीज हुआ है और ये जो था पहले के हिसाब से कम था, यानी 1991 से 2001 के बीच में कम था। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा, डिक्रीजिंग ट्रेंड। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया, और यहाँ पे डिक्रीजिंग ट्रेंड इसलिए होगा क्योंकि ये 1998 में क्वेश्चन पूछा गया है और जो 1991 से लेकर 2001 के बीच में ट्रेंड था वो डिक्रीजिंग था और 1 से लेकर 11 के बीच में इंक्रीजिंग था, तो इसलिए यहाँ पे ये डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया में इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन लैंड रिफॉर्म। तो लैंड रिफॉर्म में कौन सा इंक्लूड नहीं हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा हाउस लोन ऑफ फार्मर्स। अगला क्वेश्चन है, सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन द एबिलिटी ऑफ। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है? और इसका जो आंसर हो जाएगा HYV सीड, सफिशियंट इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी ऑप्शन फोर। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रोडक्शन वाइज द सेकेंड क्रॉप आफ्टर द राइस इज। तो प्रोडक्शन वाइज बिहार में दूसरी सबसे बड़ी फसल कौन सी होती है? और इसका आंसर जो होगा वो वीट होगा, ऑप्शन वन, और फर्स्ट में होगा राइस। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इरिगेटेड एरिया इन बिहार इज इंक्रीज टू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 times इरिगेटेड एरिया जो है वो 4 गुना बढ़ा स्वतंत्रता के बाद। अगला क्वेश्चन है, इंडिया बिहार हैज़ द मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पाइराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर इन द प्राइमरी लेवल द इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन। तो छोटा नागपुर जो था वो सब पहले जो था ये माइनिंग पे आधारित था, झारखंड के सेपरेशन के पहले, लेकिन झारखंड जब सेपरेट हुआ तो इसका जो आंसर होगा वो चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इज।
तो इंडिया में सबसे ज़्यादा व्हीट की खेती कहाँ होती है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार अपडेट कर लें। सोमेश्वर सीरीज ऑफ बिहार इज, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेवर देन ऑल। तो सोमेश्वर सीरीज जो है बिहार का, वो सभी से नया है। अगला क्वेश्चन है बिहार दामोदर रिवर फ्लोज थ्रो, तो बिहार में दामोदर रिवर बहती है, और इसका आंसर हो जाएगा फॉल्ट ट्रफ के द्वारा, फॉल्ट ट्रफ। अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज, तो फॉरेस्ट टोटल परसेंटेज वाइज देखा जाए बिहार में तो कितने परसेंटेज हैं, तो ये टोटल जो है वो 17% हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार हैवी मशीन प्लांट सिचुएटेड एट, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लैनेट विच हैज नो सैटेलाइट इज, तो इसका आंसर होगा मरकरी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन गल्फ स्ट्रीम इज, गल्फ स्ट्रीम जो है वो ओशनिक करंट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज, इसका आंसर होगा चाइना। अगला क्वेश्चन जोहान्सबर्ग इज फेमस फॉर, जोहान्सबर्ग जो है वो गोल्ड माइंस के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन पिगमीज आर द इनहेबिटेट ऑफ, पिगमीज जो है किसका इनहेबिटेड है, तो पिगमीज जो है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया इज, तो इंडिया के हाईएस्ट माउंटेन पीक को गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, यानी इसको K2 और गॉडविन ऑस्टिन दोनों एक ही नाम है, इसी के नाम से जाना जाता है। K2 ज़्यादा पॉपुलर है और यही जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया का। अगला क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ शिवालिक सीरीज इज, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेनोजोइक पीरियड, सेनोजोइक पीरियड। अगला क्वेश्चन रेग्यूर इज नेम ऑफ, रेग्यूर जो है वो ब्लैक सॉइल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन अ कार बैटरी इज, इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ का बना होता है, इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन 1 picogram इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10^-12 gram, 1 picogram में 10^-12 gram होता है। अगला क्वेश्चन मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ, मिल्क जो है वो एक एक एयर सॉल्यूट है। मिल्क क्या होता है, मिल्क जो होता है वो एयर सॉल्यूट होता है। एयर सॉल्यूट क्या होता है, एयर सॉल्यूट जो होता है वो मिल्क जो है एयर सॉल्यूट नहीं है, मिल्क जो है वो, यहाँ पे मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा था, यहाँ पे मिल्क जो होगा वो इमल्सन होगा, मिल्क जो होगा वो इमल्सन होगा। और जो इमल्सन क्या होता है, एक प्रकार से जो है वो फैट होता है और वाटर का जो मिक्सचर होता है, और उसमें और भी बाकी सारे कंपोनेंट्स मिले रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आंसर जो होगा वो मिल्क इमल्सन का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर के डिप्लेशन का मुख्य कारण जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल इज द आयरन ऑब्टेंड, तो आयरन जो है वो हेमाटाइट से मिलता है। अगला क्वेश्चन केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी प्राइम ऑड पेयर्स लाई बिटवीन 70 and 100, तो 70 और 100 के बीच में कितने ऑड प्राइम नंबर हैं, तो
तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे नंबर लिखेंगे, सारे नंबर को लिखने के बाद से आप देखेंगे कि 70 और ये भी नहीं है, 70 और 100 के बीच में सिर्फ आपको दो जो है वो ऑड प्राइम मिलने वाले हैं, 71 एंड 73। अगला क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड है, तो मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो गए, तो लगभग 10 क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके इसका आंसर जो है कमेंट करके बताएं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर टाइप करें। और मैं आपका आंसर यहाँ पर बता रहा हूँ कि इसका जो आंसर होगा 103 का आंसर क्या होगा, ये सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर 61 के बाद क्या होगा ये बताना है। तो इसमें आप जो लॉजिक देख सकते हैं, लॉजिक क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, जैसे कि आप देखें कि 1 × 2 प्लस 3 कीजिए तो 5 आएगा, फिर 5 × 2 प्लस 3 कीजिए तो आपका 13 आएगा। तो इसी तरह सीरीज जा रहा है, तो यहाँ पे 61 × 2 कीजिए और प्लस 3 कीजिए तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 125, 125 आएगा। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 125। तो इसी तरह आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, और मैथ के ये सभी क्वेश्चन हैं। और इसमें जो है अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110, अनएम्प्लॉयड जो है वो इंडिया में किस में है। तो अनएम्प्लॉयड जो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो किस सेक्टर में पूछा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू यानी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है। अगला क्वेश्चन है, लैंड डेवलपमेंट बैंक इज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, लैंड डेवलपमेंट किसका पार्ट है, और इसका आंसर हो जाएगा कोऑपरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर का, कोऑपरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन, द एम ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 वाज, एंड द राइट आंसर इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सिंगल मीन्स थ्रू विच द गवर्नमेंट इनकम फ्रॉम द रेवेन्यू टैक्स इन इज इंडिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा सिंगल सोर्स बताना है जिसमें गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए करेंटली जो है वो कॉरपोरेट टैक्स जो है वो सिंगल हाइएस्ट सोर्स है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार देखें तो क्वेश्चन में जो है वो कॉरपोरेशन टैक्स दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। और अभी भी पूछा जाए तो अभी जो है GST एंड कॉरपोरेशन टैक्स ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टैक्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो अकॉर्डिंग टू 7th शेड्यूल के अनुसार जो लैंड रेवेन्यू होते हैं, जिसमें असेसमेंट और कलेक्शन का काम होता है, उसमें जो है आपका जो लैंड रेवेन्यू जो होता है वो टैक्स के अंदर में नहीं आता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंड रेवेन्यू, जो कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इज, तो कौन सा आर्टिकल को एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा टेक्सटाइल, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्प टू इन्वेस्ट इन फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया बाय, तो फॉरेन ट्रेड में कैसे हेल्प करता है, तो बाय द हेल्प ऑफ एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक का यहाँ फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ई। अगर ये क्वेश्चन आज पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, और ऑप्शन ई जो होगा वो क्यों होगा, क्योंकि सार्क जो है यहाँ पे जो मेंबर कंट्री है, अफगानिस्तान जो था वो पहले नहीं था लेकिन अभी मेंबर हो चुका है, 8वां मेंबर जो 2007 में बना, अफगानिस्तान बना, और नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सारे ऑलरेडी मेंबर हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई।
क्वेश्चन नंबर 118 हुडको मीन्स, हुडको का क्या मतलब होता है? तो हुडको का मतलब होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि 1970 में बनाया गया था, 1970 में बनाया गया था, और ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था और ये हाउसिंग सेक्टर के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 भी मैथ से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं कि वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वुमेंस डे कब मनाया जाता है? तो वुमेंस डे मनाया जाता है 8 मार्च को, यानी ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर 123, द बर्थ प्लेस ऑफ मदर टेरेसा वाज, तो मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था अल्बानिया में, अल्बानिया, और इनका जन्म हुआ था 4 मई 1948 में अल्बानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सॉरी यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 26 अगस्त 1910 में इनका जन्म हुआ था अल्बानिया में मदर टेरेसा का। तो डेट आप याद रखिए, 26 अगस्त 1910 में अल्बानिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंट्री इजराइल वाज मेड फॉर, तो कंट्री इजराइल जो था वो किसके लिए बनाया गया था? तो ये जीविस के लिए बनाया गया था, ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अग्नि नाम है, अग्नि इज रिलेटेड विथ, तो अग्नि किससे रिलेटेड है? अग्नि रिलेटेड है मिसाइल से, यानी ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू नेम ऑफ मद्रास, मद्रास का नया नाम क्या है? मद्रास का नया नाम है चेन्नई, ऑप्शन वन। और 1996 में गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने इसका नाम मद्रास से चेंज करके चेन्नई कर दिया। अगला क्वेश्चन है, खैमर रॉग इज डिक्टेटर ऑफ, तो खैमर रॉग जो है डिक्टेटर पार्टी कहाँ की है? और ये जो है कंबोडिया की पार्टी है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कंबोडिया की पार्टी है। अगला क्वेश्चन, फेमस इकोलॉजिकल स्पेशलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा इज नोन फॉर हिज वर्क, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टेट्स टॉकिंग फॉर द सरेंडर ऑफ सैंडलवुड स्मगलर वीरप्पन वेयर, तो दो राज्य कौन से ऐसे राज्य हैं? और इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा कर्नाटका एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, गीत सेठी इज एक्सपर्ट इन द गेम, तो गीत सेठी किस में एक्सपर्ट हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा स्नूकर, ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्दाम हुसैन इज द प्रेसिडेंट ऑफ, तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है, आप इसे क्वेश्चन को स्किप कर दें, और अभी के डेट में अगर पूछा जाए तो इस सारे कंट्री का आपको प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ अमेरिका इज, तो ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर से है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, तो यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल जो है वो कौन है? ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस फॉर द वर्ल्ड इन, तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नालंदा यूनिवर्सिटी किस लिए फेमस है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो था फेमस था बुद्धिस्ट रिलीजियन फिलोसफी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट विल बी आवर ब्लंडर इफ वी लीव द पीपल ऑफ बिहार एंड देयर गवर्नमेंट अनसेफ बिफोर द वायलेंस एंड अनसेफ बिफोर, और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन तो हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन फोर, सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड एट, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? और इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा द हेग नीदरलैंड, द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। और इस समय इसका प्रेसिडेंट कौन है, ये आपको याद रखना है। द स्टेचू ऑफ लिबर्टी इन, तो स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? स्टेचू ऑफ लिबर्टी है USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हु फॉट फॉर द एफार्थेड फॉर द लॉन्ग इन साउथ अफ्रीका, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला, ऑप्शन फोर। अगला क्वेश्चन है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर से है,
तो इलाज यहाँ पे इसका आंसर होगा लीज कोई है, लीज नाम की कोई एक महिला बनी है अभी हाल ही में, जो कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री ओन द शाहजहाँ कप इन 1998। तो ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बिहार बाई अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है, अभी गवर्नर जो है वो फागु चौहान है। अगला क्वेश्चन है, करुणा निधि इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ। तो करुणा निधि जो है चीफ मिनिस्टर किस राज्य की है, ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, तमिलनाडु यहाँ पे आंसर होगा, लेकिन तमिलनाडु के अभी है M.K. Stalin। अगला क्वेश्चन है, द इलेक्शन फॉर द 12th लोकसभा ऑफ इंडिया हेल्ड इन। तो ये क्वेश्चन भी करेंट अफेयर से है। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड से, ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर से। ऑस्कर अवार्ड आपको याद रखने हैं 2021 और 22 दोनों का। लास्ट कुंभ मेला ऑफ 12th century वाज सेलिब्रेटेड एट। तो कुंभ मेला आप सभी को पता होगा, कुंभ मेला जो है इसका आयोजन हरिद्वार में किया गया था लास्ट टाइम, और ये कब किया गया था, 1998 में। करंट अफेयर से रिलेटेड है, और अगर अभी देखा जाए तो अभी लास्ट टाइम जो हुआ था वो उज्जैन में हुआ था 2016 में। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती बिल इन 1997 वाज पुट ऑन द टेबल ऑफ पार्लियामेंट बाई। तो प्रसार भारती बिल जो है किसके द्वारा लाया गया, ये लाया गया था जयपाल रेड्डी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फतवा रिलीजियस ऑर्डर ऑफ द डेथ अगेंस्ट सलमान रशीद वाज इशूड बाई। तो इसका आंसर होगा अयतुल्ला कोमेनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वीन विक्टोरिया वाज अपॉइंटेड द इम्प्रेस ऑफ इंडिया इन। तो क्वीन विक्टोरिया को इंडिया का इम्प्रेस कब बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1877 में बेंजामिन डिजराइल, और जो कंजर्वेटिव पार्टी से थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके प्रोक्लेम्ड जो थी वो क्वीन एलिजाबेथ एज द इम्प्रेस ऑफ इंडिया, और इन्होंने जो है ब्रिटिश क्राउन को यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे 1858 में इस्टेब्लिश किया था। लक्षद्वीप आइलैंड इज सिचुएटेड, लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे स्थित है, और ये स्थित है साउथ वेस्ट इंडिया में, साउथ वेस्ट इंडिया। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन के ऑथर कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष। और ये बुक जो है वो ओरेटिकल एस्पेक्ट जो होता है योगा के बारे में, इसके बारे में डिस्कस किया गया है इसमें, और इसका नाम है लाइफ डिवाइन, रिटन बाय अरविंदो घोष। तो ये हमारे आज के 150 क्वेश्चन टोटल थे जो कि बीपीएससी में पूछे गए थे। आई थिंक आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे, फिर भी अगर आप क्वेश्चन को डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।